आज के इस व्लॉग में मैं बहुत ही एक सरप्राइज देने वाला हूँ, क्योंकि वो गेट से हम लोग ट्रैकिंग करते आ रहे वहां से, और ऐसे करते हुए वो रोड जाता है उधर उस घर के तरफ। वहां से होते हुए यहाँ एक सीढ़ी है, स्टेयर स्टार्ट होती है, ऐसे स्टार्ट करते हुए अभी आ से 15 से 20 मीटर की दूरी पर ही कुछ बाघ या चीते की आवाज आ रही है करके। सो वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, और आज के इस व्लॉग में मैं बहुत ही एक सरप्राइज देने वाला हूँ, क्योंकि आज हमारा कैंपिंग जो हुआ है ना, वो एक बहुत ही अल्टीमेट जगह हुआ है। सो मैं आपको निकल के दिखाता हूँ कहाँ पर हुआ है। दिस इज माई सेफ्टी फॉर, और सो सरप्राइज। तो ये है भाई गंगा नदी जी, जहां पर हमने कैंपिंग किया था। अल्टीमेट कैसा लगा सरप्राइज? मज़ा आया ना? हुई थी भाई गंगा जी के किनारे, और अल्टीमेट मज़ा आ गया यार। तो सुबह सुबह भाई रिवर राफ्टिंग स्टार्ट हो गई यार, दिखाता हूँ। ये नज़ारा देखने के लिए तो मेरे तरस गया था यार, क्या अल्टीमेट। सो फाइनली भाई सुबह हो चुकी है, ब्रश भी कंप्लीट हो चुका है। चाय मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन यार नाश्ते के हिसाब से चाय ब्रेक वो बिस्किट वगैरह खाना पड़ेगा। सो इस नज़ारे के साथ में आज चाय बिस्किट होने वाला है अपना, अल्टीमेट वाला यार। सो ये एक छोटी सी घुमटी है जहाँ पर आंटी अपने को बना के देगी चाय। फाइनली चाय आ चुकी है। भाई नाइट में तो डर लग रहा था एलिफेंट वाले जो किस्से सुन सुन के रखे थे उसके चक्कर में, लेकिन हमारा रात का सिक्योरिटी गार्ड ना ये था, खानी थी। भाई आज का नहाने का टाइम हो चुका है, और आज नहाने वाले हम गंगा जी में। एक ये नदी है जो इधर से आके मिलती है गंगा जी में यहाँ पे, तो हम यहीं पर नहाएंगे शो, और उधर चलते हैं रिवर राफ्टिंग। उधर से आ रही है रिवर राफ्टिंग वाली सारी बोट। नीलकंठ मंदिर के लिए सो मजा आएगा, निकालते अपने लिफ्ट वाला बोर्ड और लेते हैं लिफ्ट, और भाई आएंगे साइकिल से। तो भाई नीलकंठ मंदिर के लिए पहली लिफ्ट मिल चुकी है, और ब्रदर ने आपका गुड नेम ब्रदर? मेरा नाम जितेंद्र। जितेंद्र भाई जितेंद्र नीलकंठ मंदिर के लिए। सो फाइनली मिल चुकी है आज की दूसरी लिफ्ट। तो फाइनली पहुंच चुके हैं भाई, कहाँ से? पटना वाटरफॉल में कल की कैंपिंग, और वहाँ से पहुंच चुके हैं सीधे नीलकंठ महादेव मंदिर। क्या गुड नेम आपका? सतनाम सिंह। सतनाम सिंह जी, फाइनली पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर सराउंडिंग। यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट, यानी उसके बाद मंदिर। फाइनली नीलकंठ मंदिर से थोड़े से नीचे आने के बाद एक हमें बहुत ही अल्टीमेट स्पॉट दिखाया यार कैंपिंग करने का, बट बस इतनी सी दिक्कत है कि अगर उतने ऊपर जाने के बाद अगर बाय द वे मना कर दिया किसी ने तो क्या होगा। तो जगह मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी है, वो मंदिर। अगर बाय द वे वहाँ नहीं कर पाए तो वहाँ करने वाले हैं अपन। सो पता नहीं क्या होने वाला है, उतने ऊपर जाने के बाद अगर भाई दावे मना कर दिया ना तो मैं तो वहीं से कूद जाऊंगा। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो भाई तो रास्ता तो मिल गया है, चढ़ना है कहाँ पे? वहाँ पे बहुत ही खतरनाक है, और एक बात बोलो सबसे बड़ी डराने वाली चीज़, कल ही वहाँ पे तेंदुआ दिखा था ऐसा। लास्ट स्टॉप पे हम रुके थे तो उन्होंने कन्फर्म इन्फॉर्मेशन दी है, तो आई होप आज कुछ ना मिले। बाकी तो रिस्क लिए जाते हैं, मजा आएगा।
अभी तो आधी सीढ़ी चढ़े हैं भाई। हमको जाना कहाँ है? वहां जाना है, वहां पे। हाँ, मेरी लाइफ की सबसे हाईएस्ट ट्रैकिंग है ये, दिखाता हूँ कैसे। भाई वो देखो, वो गेट दिख रहा है, वो गेट से हम लोग ट्रैकिंग करते आ रहे हैं वहां से, और ऐसे करते हुए वो रोड जाता है उधर उस घर के तरफ, वहां से होते हुए यहाँ एक सीढ़ी है, स्टेयर स्टार्ट होती है, ऐसे स्टार्ट करते हुए अभी आ रहा है अभी वो मंदिर 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 यहाँ। माँ कसम, आज तो नानी याद आ गई। भाई यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन ये क्या, मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का नशा तथा रात्रि विश्राम पूर्णतः वर्ज। लेकिन खास बात ये है और खुशखबरी कि जस्ट हम लोगों ने अंदर गए और पंडित जी यहाँ पर थे, तो हम लोगों ने पुजारी जी से पूछा, परमिशन ले ली और हमको परमिशन मिल गई। ये सबसे अच्छी बात है। नहीं, कहाँ से आ रहे हम, वहाँ से चलते हुए ऐसे करके और यहाँ से यहाँ तक। बाय द वे नहीं होता ना, तो आज तो चल। लेकिन धन्यवाद पुजारी जी का, उन्होंने परमिशन दे दिया यार। सो फाइनली ऋषिकेश के अंदर एलिफेंट वाले जंगल के बाद हम आ चुके हैं यार ऋषिकेश के अंदर, केंदुए बाघ और चीते वाले जंगल के अंदर। और ये एक मंदिर है जहाँ पर हम कैंपिंग करने वाले हैं, और इस मंदिर में हम दोनों भाई के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है और ना कोई आता है। और सही बताओ, यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे कल रात में चीता भी दिखा था यार बोले। और हम आज करने वाले हैं यहाँ पर कैंपिंग, तो इन पहाड़ की वादियों के बीच में मजा आने वाला है। तो सीधे लगाते हैं कैंपिंग और आपको दिखाते हैं कैंपिंग कैसे की जाती है। ओके, इतने ऊपर है भाई। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा कैंपिंग रहेगा, बहुत मजा आने वाला है। कोई नहीं, करते हैं आज की कैंपिंग बिना किसी डर के और निकलेंगे कल सुबह यहाँ से। आज की हमारी कैंपिंग ऑलरेडी आपने देख चुकी है, देन नए हो चुकी। इधर देखो सामने, ये है भाई पूरा वो नीचे वहाँ पे सिटी छोटी वाली। फिर हमने किया था आज अपना मैगी वाला प्रोग्राम यहाँ पे। सो ये है एक मंदिर जो ऑलरेडी व्लॉग में देखने को मिल ही गया होगा, पूरा जंगल। सो मैगी बन, पहले मैगी खाते हैं यार और फिर करते हैं आराम। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई फाइनली हो चुका है हमारा खाना, सो जल्दी से चलते हैं टेंट के अंदर, क्योंकि अजीब व गरीब सी बहुत सारी आवाज़ें आ रही, अलग अलग टाइप की जानवरों की, न जाने कौन सी आवाज़ किसकी, अपन तो जानते नहीं है। सो फालतू में रिस्क नहीं लेंगे और सीधे चलते हैं टेंट के अंदर यार। और पहली बात, यहाँ कोई नहीं है हमारे दोनों के अलावा और हम दोनों अनाड़ी है। सो ज़्यादा टाइम नहीं होते, टेंट में चलते, कल सुबह बात करेंगे और कल सुबह क्लोज करेंगे। तो भाई रात के 9:30 हो रहे हैं, 9:35 और मैं रील्स देख रहा था, उतने में भाई का कॉल आता है, बोलता है कि सारे मोबाइल वगैरह बंद करो, आवाज़ें वगैरह बंद करो। मेरे से 15 से 20 मीटर की दूरी पर ही कुछ बाहर
आग या चीते की आवाज आ रही है करके। सो फाइनली भाई मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।